नागपुर के एचबी नगर कॉलोनी में उत्तर नागपुर कौमी एकता मंच की ओर से 8 मई को ईद मिलन का आयोजन किया गया था। इस वक्त प्रवीण दटके और नितिन गडकरी की प्रमुख उपस्थिति में जश्न मनाया गया। इसी के साथ कई लोगों ने भी इस कार्यक्रम में सहभाग लिया था। बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ और अल्लाह से दुआ मांगता हूँ कि आप सबको गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति दे, आपका जीवन सार्थक हो, कल्याण हो और आपके जीवन में खुशी और बरसे, यही अल्लाह से प्रार्थना करता हूं। अभी प्यारे खान जी ने बताया कि हमारी जो मूलभूत समस्या है उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, इंजीनियर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, अफसर बनने चाहिए, ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान की उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, इसके तरफ ध्यान देने की आवश्यकता। मुझे खुशी है कि मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो मुझे एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था और वो इंजीनियरिंग कॉलेज शायद मैं भी शुरू कर सकता था या किसी को दे सकता था कोटा में, पर मैंने अंजुमन इस्लाम को जो सदर में है उनको दिया और मुझे इस बात की खुशी है कि आज करीब 7 से 8 हजार से ज्यादा मुस्लिम समाज के लड़के और लड़कियां वहां से इंजीनियर बनी और अच्छा काम करेंगे। यही हमारे यहाँ शिक्षा हमारा अधिकार है। और दूसरी बात जो हमने सब लोगों ने तकलीफ उठाई वो कोविड के समय उठाई। देखिए कोई व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उस समय जो परिस्थिति थी अनेक हमारे प्रिय व्यक्तियों की उस समय मृत्यु भी हो गई। ऑक्सीजन के कारण लोगों को ऐसी स्थिति पैदा हुई कि विशेष रूप से ऑक्सीजन न होने के कारण लोगों की मरने के कगार पर लोग खड़े थे। हम ऑक्सीजन विशाखापट्टनम से, कभी अंगुल से, भुवनेश्वर के पास से, कभी भिलाई से ला रहे थे और ऑक्सीजन डॉक्टर देखते रहते थे, राह देखते रहते थे। उस समय प्यारे खान जी का ट्रांसपोर्ट का अच्छा अनुभव था, मैं उनको कलेक्टर ऑफिस लेके गया। उस समय हमारे जो पालक मंत्री नितिन राउत थे उनको भी कोविड हो गया था, लोग डरे हुए थे, कोई किसी को मिलते नहीं थे। मैं कलेक्टर ऑफिस में गया और मैंने कलेक्टर ठाकरे को कहा एक काम करो, ये ऑक्सीजन का काम प्यारे खान को दे दो, एक रूम आप आगे की है जो उसको दे दो और ये ट्रक का ट्रांसपोर्ट पूरा या ऑक्सीजन का ये काम करेंगे। उन्होंने ऑक्सीजन के ट्रक भी लाए, ऑक्सीजन भी लाया, लगातार उनके पास 7-8 हजार ट्रक होंगे, करोड़ों का धंधा है। पर उसने पूरा अपना काम धंधा बंद कर दिया और दिन भर वो ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया और नागपुर में हजारों लाखों लोगों की, विदर्भ में अगर जान बची तो उसके लिए प्यारे खान जी ने जो ऑक्सीजन के लिए कोशिश की, मेहनत की, ये श्रेय उनको है। वो मुझे देते, मुझे देने का कोई कारण नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि मेरी माँ कहती थी कि कर्मण्ये वा अधिकारस्य, ने कोई भी काम करके इधर के काम को उसको नहीं बताना चाहिए, करने वाले ने करना चाहिए, देने वाले ने लेना चाहिए और मांगने वालों ने देने वालों के हाथ मांगने चाहिए, यही हमें कहा गया है। और हमारे यहाँ सभी जगह तुकाराम महाराज से लेकर सभी संतों ने यही कहा है कि जो गरीब है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण की हम सेवा करें। बहनों और भाइयों, गरीब गरीब होता है, गरीब को जात पंथ धर्म और भाषा नहीं होती। गैस का सिलेंडर जिस भाव में हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है, जो पेट्रोल हिंदू को मिलता है उसी भाव में मुसलमान को मिलता है। और हमारे बुनियादी सवालों की तरफ हमारा ध्यान कम है और समय समय पर जो चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए उधर ध्यान चला जाता है, जिससे समाज का नुकसान होता है। आज सुबह राष्ट्रपति नागपुर आए थे, उन्होंने आईएम का उद्घाटन किया, निहान में बना हुआ है, नागपुर एजुकेशन हब बना, नागपुर मेडिकल हब बना, अब नागपुर लॉजिस्टिक हब बना है और इसमें अनेक लोगों को इसका फायदा हुआ है। 5 मेडिकल नागपुर में, 5 मेडिकल कॉलेज बने, आज नागपुर में करीब 50 इंजीनियरिंग कॉलेज है,
अभी फॉल्कन कंपनी का हवाई जहाज 13 सीटर जेट नागपुर में फरवरी इसी 22 के एंड तक बनने वाला है, और इसलिए हमारे लड़कों को रोजगार कैसे मिले, हमारे यहाँ के लोगों को मकान कैसे मिले, जो जवान लड़के उनको रोजगार कैसे मिले, और हमारे गरीबों को दो समय की रोटी कैसे मिले, मकान कैसे मिले, ये हमारी समस्या है। और इन समस्याओं से दूर करने के लिए हमको काम करना है। मुझे बहुत खुशी है कि ताजुद्दीन बाबा ट्रस्ट में सबसे पहले ईमानदार, भ्रष्टाचार न करने वाला ईमानदार व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में मिला है। और मैंने उनको कहा कि इसके पहले जो लोग करोड़ों रुपए लेकर भाग गए हैं, जिनने ताजुद्दीन बाबा को लूटा है वहां से, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करो, उनका कोई मजहब नहीं होता, वो केवल चोरी और भ्रष्टाचार का काम करते हैं। ये पैसा गरीबों ने डाला हुआ था, और मैंने उनसे एक इच्छा व्यक्त की कि आप जमीन खाली करो, 400 लोगों का सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा ताजुद्दीन बाबा के नाम से मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, ये ताजुद्दीन बाबा के स्मरणार्थ बनना चाहिए, मैं इसके लिए मदद करूंगा। और जो लाखों हमारे मुस्लिम समाज के भाई, उनको निःशुल्क रूप से वहां सब प्रकार के ट्रीटमेंट मिलने चाहिए। मुझे विश्वास है कि पारे खान जी के नेतृत्व में ये काम पूरा होगा। उन्होंने वहां मुस्लिम महिलाओं को सिखाने के लिए स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं, बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यही समय की आवश्यकता है। अगर हमको दुनिया के रेस में आगे जाना होगा तो हमारे बच्चों को नॉलेज, ज्ञान देना होगा। मैं अक्सर एक बात करता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी